खुशबू से भरे इन फूलों से लदे हुए ये पौधा, ये मोगरा का पौधा दोस्तों, गार्डनिंग के शौक रखने वाले लगभग सभी के पास ये पौधा जरूर होगा। अपने फूल की खूबसूरती और इसकी खुशबू की वजह से सभी लोग इसको पसंद करते हैं। दोस्तों ये पौधा जो है गर्मियां शुरू होने से सर्दियों के शुरू होने तक साल में करीब 8 से 7 से 8 महीने फूलों से भरा रहता है और आपके गार्डन को, हमारे गार्डन को खुशबू से महकाता रहता है। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोगरा का पौधा बहुत ही हैवी फीडर होता है क्योंकि इसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो इसको उतनी अच्छी मात्रा में कंपोस्ट भी चाहिए होता है और साथ में कभी कभी इंसेक्ट्स का अटैक भी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें अपने पौधों को कैसे बचाना है, तो मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ बताऊँगा और बहुत ही ईजी वे में बताऊँगा, जो कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी, उसी से हम इसकी केयर करेंगे और इसको दोबारा से तैयार करेंगे फ्लावरिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें ये जो फ्लावर ड्रॉप्स हैं या फिर कलियां सूख रही हैं, गिर जा रही हैं, इनके पीछे के रीजंस भी जानेंगे। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि पौधों में कमी होती है तभी यह होता है, कभी कभी जो नेचर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, मौसम चेंज होता है, उसके अनुसार भी ये पौधा बदलता है। और आप जैसे हमारे पौधों में होता है कि फ्लावर्स नहीं आ रहे तो हम परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा होता है दोस्तों कि जो पौधा साल भर आपको फूल दे रहा है तो करीब महीने में एक बार फ्लावर ड्रॉप्स होने के बाद, अच्छे से फ्लावरिंग करने के बाद, पौधा 10 से 15 दिन का रेस्ट पीरियड ले सकता है दोबारा से अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, पर अगर लगातार आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे के बारे में कि इसको हम कैसे, इसकी केयर करना है हमें, क्यों ये फ्लावरिंग अभी अच्छे से नहीं कर रहा है और इंसेक्ट्स क्यों आ रहे हैं इस पर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी मानसून सीजन चल रहा है और मानसून सीजन में लगातार पानी गिरने की वजह से मिट्टी में नमी है और नमी की वजह से जो फ्लावर्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, कलियां फूल नहीं बन पा रही हैं या फिर नई ग्रोथ तो नहीं हो रही है पर फूल कम बन रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको पौधों को सेडेड प्लेस में भी नहीं रखना है, रखना आपको खुले में ही है। बस आपको केयर ये करनी है कि जब बारिश आपके यहाँ से ख़त्म होती है तो आपको आके मिट्टी चेक कर लेना है, मिट्टी बिल्कुल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। तो अगर आप अच्छी मिट्टी ड्रेन, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी बना के पौधे को लगाए हैं तो पानी नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़, अगर रुका भी हुआ है तो हर बारिश के बाद आपको आके गमले को थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से पानी को निकाल देना है जिससे कि गमले में पानी रुका ना रहे। तो ये एक सोल्यूशन है, रखना आपको इसको ओपन प्लेस में ही है जहाँ आपको इसको फुल डे सनलाइट मिलती रहे, क्योंकि अगर धूप नहीं मिलेगी तब भी पौधे में जो कलियाँ आएंगी वो मैच्योर नहीं होंगी और ड्रॉप हो जाएंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक पे कि पौधे में ग्रोथ तो आ रही है पर फूल नहीं बन रहे। तो आपको फूल, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए समय समय पर गर्मियाँ शुरू होने से लेकर सर्दियों तक समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो देखिए नए फूल जो आ जाते हैं, जैसे ये देखिए नए फूल आ गए, इसके बाद इसमें ग्रोथ नहीं है तो ये अब फूल कहाँ प्रोड्यूस करेगा। तो हमने देखिए जितनी प्रूनिंग करी है, जहाँ जहाँ प्रूनिंग करी है, ये हमने अप्रैल में की थी, उसके बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है और उसमें खूब ढेर सारे फूल खिले हैं। अब फिर से ये पौधा प्रूनिंग मांग रहा है जिससे नई ग्रोथ आएगी और नई ग्रोथ में काफ़ी अच्छे से कलियाँ आएंगी, फूल बनेंगे, तो इनकी प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक है समय समय पर। तो दोस्तों ये देखिए हमने जिन ब्रांचेज पर कलियाँ बन रही हैं उन्हें छोड़ के बाकी सभी को हमने प्रून कर दिया है। अब ये जो प्रूनिंग की है हमने, इनमें जो मैच्योर ब्रांचेज हैं इनसे आप कटिंग लगा सकते हैं, मानसून के सीजन में कटिंग बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाती है तो आपको एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। दोस्तों कटिंग लगाने के लिए आपको किसी भी प्रकार कोई सैंडी सॉइल जो आपने तैयार किया हो कटिंग लगाने के लिए, वो आप किसी गमले में ले लें और उसमें ये देखिए इस प्रकार से जो मैच्योर कटिंग होती है इन्हें आप जो करीब थोड़ी थिक हो, एकदम नई कलम ना हो, तो इसे आप इस सैंडी सॉइल में लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। करीब 15 से 20 दिन में आपको इसमें रूट्स नज़र आने लग जाएंगी। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट है मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी की गुड़ाई करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो नीचे दब जाती हैं और बारिश की वजह से मिट्टी हार्ड हो जाती है तो रूट्स तक एयर नहीं अच्छे से पहुँच पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो रूट्स अपना जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करने का काम है, पौधों को पहुंचाने का काम है, वो ठीक से नहीं कर पाती हैं। तो जब आप गुड़ाई कर देते हैं टाइम टाइम पे तो मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो, सॉरी टेक्सचर है, वो भी अच्छे से बना रहता है, पानी ड्रेन हो जाता है जो भी बारिश का आता है और रूट्स भी ऑक्सीजन ले पाती हैं। तो इस प्रकार से हमें इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए और गुड़ाई करने के बाद हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की। तो महीने में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट
ये देखिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, साथ में आप चाहे तो नीम खली या थोड़ी मात्रा में इसमें राख मिलाकर हम इन पौधों को देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है, इससे पौधे की जो ग्रोथ होती है, हमने प्रूनिंग करी है, करते रहेंगे तो उससे जो नई ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छे से निकल के आएगी, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देते हैं उससे। तो 12 इंच के गमले में हमने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दिया है और इसे मिट्टी में मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें कर देंगे वाटरिंग। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही गीली है तो आपको वाटरिंग का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटरिंग नहीं करनी है। फिर दोस्तों ये तो हो गई वर्मी कंपोस्ट की, अब हमें फ्लावर्स के लिए क्या करना है, जो फ्लावर्स हमारे छोटे बन रहे हैं या फिर उनकी जो कलियां ड्रॉप हो रही हैं उसके लिए हमने एक फर्टिलाइजर तैयार किया हुआ है दोस्तों। ये होममेड फर्टिलाइजर दोस्तों जो हम तैयार कर रहे हैं, ये मोगरा के पौधे में कलियों की संख्या बढ़ाएगा, साथ में जो फूल आ रहेंगे उनकी साइज को भी बढ़ा देगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं, देखिए ये पोटैटो पील है, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, साथ में केले के छिलके, ये तीनों चीज़ों को मिला के हम अगर कंपोस्टिंग करते हैं तो इसमें आपको देखिए पोटेशियम फास्फोरस काफ़ी रिच मात्रा में मिलती है, साथ में इसमें आयरन मिलता है और इसमें आपको जिंक मैग्नीशियम और काफ़ी सारे ट्रेस एलिमेंट्स जो पौधों के लिए ज़रूरी होती हैं वो सभी चीज़ें मिलती हैं। इसका आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक ड्राई कंपोस्ट जो इसको सुखा के पीस के बना सकते हैं या फिर लिक्विड कंपोस्ट इससे तैयार कर सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ें दिखाऊं, ड्राई कंपोस्ट बनाने की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। अगर इसमें आप अंडे का छिलका मिला देते हैं तो उसमें कैल्शियम की भी जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी सावन चल रहा है और अंडे हमारे यहाँ यूज़ नहीं हो रहे हैं तो मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इनके साथ मैं बना रहा हूँ कंपोस्ट और इन्हें यूज करते हैं। तो जो ड्राई कंपोस्ट है देखिए इस प्रकार से बना के हमने रखा हुआ है, इसे यूज कर सकते हैं मिक्सी में पीस के सुखा के, या फिर हमें जो लिक्विड कंपोस्ट बनाना है ये सभी चीज़ों को हम ले लेंगे एक मात्रा में जो हमने आपको दिखाया है, और ये केले के छिलके को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और किसी बर्तन में इन्हें डाल देंगे। और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों 24 घंटे भीगने के बाद ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, हम आपको दिखाते हैं अभी इस लिक्विड को निकाल के। इसे हमने 24 घंटे पहले भिगा के रख दिया था तो आप देखिए इसका कलर ये देखिए दोस्तों आप इसका कलर देख सकते हैं। तो ये जो कंपोस्ट हमने तैयार की है, अगर आप पानी की मात्रा कम रखते हैं तो इसमें आपको ये तैयार कंपोस्ट में पानी मिलाना पड़ेगा, अगर आप भिगाते समय पानी की मात्रा अधिक रखते हैं तो ये आप ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपने छान के किनारे निकाला है। तो इसके देने से पहले आपको गमले की गुड़ाई जरूर कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद आप अपने मोगरा के पौधे में या किसी भी फूलों वाले पौधे में इसे इस प्रकार से दे दीजिए। इसको देने से दोस्तों आपके फूल के मोगरा के फूल में पौधों में कलियां बनने लगेंगी और जो फूल की साइज है वो भी काफी बड़ी होने लग जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप में आते हैं। मोगरा का पौधा बहुत ही हार्ड होता है तो इसमें किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स का इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, पर चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, पत्तियों को कीड़े खाने लग जाते हैं, तो इससे बचाने के लिए आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। इसमें 2-3 तरीके की चीजें इस प्रकार से देखिए साफ फंगीसाइड आता है, आप चाहें तो इसका स्प्रे कर सकते हैं और इसका घोल बना के मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर इसका आप यूज कर सकते हैं, इसको भी आप पानी में डाल के मिट्टी में डाल सकते हैं, और छिड़काव करने के लिए आप नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो इंसेक्टिसाइड है जो पत्तों को खा रहे हैं या जो बीमारी लग रही है वो नहीं लगेगी और पौधा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जितना पौधा हेल्दी होगा उतनी अच्छी उसमें ग्रोथ आएगी। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ का आप स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे पर इंसेक्ट से बचाने के लिए और
जो बताई हुई खाद है इसको देने से आप देखे देखे 15 दिन में एक बार आप जो लिक्विड कंपोस्ट हमने दी है उसको ट्राई करें, और पहले वर्मी कंपोस्ट दें 15 दिन में, उसके 15 दिन बाद आप ये लिक्विड कंपोस्ट दें और पौधे की प्रूनिंग जरूर कर दें। आप देखेंगे आपके पौधे में नई ग्रोथ होगी और उसमें ढेर सारी कलियां बनेंगी और साथ में काफी ज्यादा फूल आएगा।